हेलो, मेरा नाम पार्थ गोयल। आज के वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है, कब प्रिपरेशन करना है, क्यों प्रिपरेशन करना है, सारी चीजों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे नीट में ऑल इंडिया 223 थी और साथ ही साथ में मेरे बोर्ड्स में 90% आए थे। 90% वॉज समथिंग जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत खुश था। कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी चीज मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे 3 साल हो चुके हैं 12th बोर्ड दिए, आज तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला जिसने मुझसे ये पूछा हो कि तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स आए थे। 12th बोर्ड के मार्क्स डू नॉट मैटर एट ऑल। वो बस केवल एक हफ्ते तक मैटर करेंगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे रिश्तेदार 4 पूछेंगे कि भैया क्या हुआ। बट जो मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट में रैंक आई, वो मेरे एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है। और हाँ, लोगों ने मुझसे जरूर पूछा कि तुम्हारी कितनी रैंक आई और कितनी रैंक के हिसाब से तुम किस कॉलेज में हो, दैट थिंग मैटर। तो तुम्हारा मैक्सिमम फोकस उसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ होना चाहिए, बोर्ड पर उतना फोकस होने की जरूरत नहीं है। अनलेस तुम जिस कॉलेज में जाओगे उसमें बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन होगा तो वो एक अलग बात है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक की कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तुम्हारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मोस्टली बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होता है। ना इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अगर तुम सोचो कि तुम अभी से इसको पढ़ने लग जाओ तो डेट इज टोटली टाइम वेस्ट, क्योंकि तुम अभी पढ़ोगे फिर उसे भूल जाओगे। इंग्लिश तुम्हें पढ़ना है एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले। नाउ हियर इज द कैच, कई सारे बच्चे एग्जाम के 1-1.5 महीने भी किताब उठा करके पढ़ने लगते हैं इंग्लिश को। वो एक अच्छा मेथड है, वो बेस्ट मेथड है, लेकिन चूंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये ट्रिक मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनाई थी और बहुत ही अच्छे से हमारे लिए काम करी थी। यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश का ही चैप्टर तुम्हें हिंदी में पढ़ा रहे होंगे और तुम्हें विजुलाइज करके एनिमेट करके पढ़ा रहे होंगे। वो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे जल्दी से तुम उस चीज को कर सकते हो और तुम्हें सबसे अच्छे समझ में आता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ के शायद तुम्हें उतना समझ में नहीं आया लेकिन हिंदी में वही कहानी सुन के तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा। नाउ कमिंग टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर वो फिजिकल एजुकेशन है तो अगेन तुम्हें एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले ही पढ़ना है। ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक हफ्ते पहले किताब उठाते हैं तो भी उनके 90-90 मार्क्स आ रहे होते हैं। फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपको 1 महीने पहले किताब उठानी है। नाउ कमिंग टू जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो चल रहा है उसे अच्छे से करो। जब बोर्ड्स आ रहे होंगे तो अगेन बोर्ड्स के 1 महीने पहले तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेने हैं बोर्ड्स के, और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हो, जिस स्टाइल में तुम्हें लिखना है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कैसे कर लेनी है? तुमने पेपर उठाया, 3 घंटे की सिटिंग लगाई और जिस तरीके से तुम बोर्ड के एग्जाम में लिखने वाले हो वैसे तुम्हें लिखना है। बाद में तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम बोर्ड का जो तरीका है उस तरीके से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते करते हमारी ये प्रैक्टिस छूट जाती है और इसे तुम्हें वापस से जगाना है 1 महीने पहले ही। तो कुल मिला के बोर्ड्स की अभी तुम्हें बिल्कुल भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हो और आराम से बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स फोर सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट रुको, अगर तुम्हें ये जानना है कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट मेडिकल फेस्ट कैसा दिखता है तो ये वाली वीडियो देखो। मैं गया था वहाँ पे, इम्स दिल्ली में।